प्यारे बच्चों, लक्ष्य ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। कक्षा 11 का जो पांचवा अध्याय है भौतिक विज्ञान का, वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति का है, उसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने अध्याय 4 तक चर्चा कर ली है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वेक्टर विश्लेषण, मुख्यतः हम वेक्टर विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो सबको पता है कक्षा 9 में आपने राशियों के प्रकार पढ़े, मुख्यतः राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियां कहलाती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, जैसे समय, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, विभव अदिश राशि, शक्ति अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, आवृत्ति अदिश राशि। इसी तरीके से वो भौतिक राशियां जो केवल और केवल द्रव्यमान, केवल और केवल परिमाण द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां क्या होती है, जैसे किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व, ये सब क्या है, सदिश राशि। विस्थापन या विस्थापन सदिश क्या होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। विस्थापन सदिश क्या है, ये आपका एक निर्देशांक बना दिया हमने, अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। मान लिया कि एक वेक्टर ओपी है और दूसरा क्या है, ओक्यू है, ये आपका ओक्यू है, इसका मान आर वन है और इसका मान क्या होगा, आर टू। वेक्टर को निरूपित करने के लिए जो भौतिक राशि सदिश होती है, माने वेक्टर है ना, स्केलर अदिश, वेक्टर सदिश, या सदिश वेक्टर स्केलर, आपका अदिश क्या है, वो स्केलर। तो यहां पर अगर हमें PQ को निरूपित करना है तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, वो OQ माइनस OP हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, R2 माइनस R1 कहते हैं। ये आपका क्या है, सदिश R, PQ का मान क्या होगा, सदिश R के बराबर होगा। ये वेक्टर का क्या किया आपने, सदिश R का निरूपण या सदिश R को कैसे व्यक्त करते हैं, ये आपका टॉपिक हो, ठीक है। अब बात करते हैं सदिशों का निरूपण, क्या सदिशों का निरूपण, कैसे सदिश का निरूपण किया जाएगा। सबसे पहली बात तो सदिश को हम जब मैप बनाते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, तो इस तरीके से हम हमेशा अगर ये कहें, निरूपित करते हैं किसी भी मैप में कोई चीज, अगर हम कहें उदाहरण के तौर पर कार 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
उत्तर की ओर गतिमान है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर की ओर क्या है, गतिमान है। तो उसका निरूपण कैसे करेंगे, हम निरूपण इसमें तीर द्वारा करेंगे, माने उत्तर की तरफ हम 5 इकाई का एक तीर बनाएंगे और ये कार के वेग को निरूपित कर रहा है, इसका मान क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें दिशा क्या है, आपकी उत्तर वो सम्मिलित है, ये निरूपण हो गया। यहां पर इसकी जो इकाई है 1, 2, 3, 4, 5 ये इकाई इसकी जो हमने माना एक यूनिट बराबर 1 मीटर या 1 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से तो हमने इसको क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। अगला जो टॉपिक है वो सदिश का वर्गीकरण, सदिश का क्या है वर्गीकरण, इसको निकाल देते हैं। सदिश का वर्गीकरण, या हम इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। सबसे पहला वेक्टर का जो प्रकार है वो क्या है, समान वेक्टर, या इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या होता है इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर जो समांतर तथा लंबाई माने परिमाण में समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समान वेक्टर कहते हैं। जैसे एक ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर क्या है बी, तो वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के। सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स आपको वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है वहां आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका समान वेक्टर जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर भी कहते हैं, ए बराबर बी है। दूसरा होता है असमान वेक्टर, असमान वेक्टर क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं अन इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसी चित्र में अगर एक वेक्टर हम ऐसा बनाए जो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है वो विपरीत है, तो उसको हम असमान वेक्टर या विपरीत वेक्टर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विपरीत वेक्टर भी कहते हैं। विपरीत आपकी बुक में दिया है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपोजिट, अपोजिट वेक्टर। तो यहां पर क्या है, ए जो है वो विपरीत वेक्टर है किसके, बी के, सॉरी ए विपरीत वेक्टर किसके हैं, सी के। विपरीत वेक्टर जो होते हैं वो नेगेटिवली इक्वल होते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका 3 नंबर वेक्टर का प्रकार या वर्गीकरण, एकांक सदिश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट वेक्टर, क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश क्या होता है, किसी सदिश को यदि उसका परिमाण एक होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं। माना सदिश ए, अब सदिश ए माने ए के ऊपर तीर लगा दे, का परिमाण, परिमाण लिखने का तरीका दो होता है, या तो आप ऐसे लिखेंगे
इसको कहते हैं मॉड ऑफ इट, या दूसरा जो तरीका है वो केवल आपके लिए है। माना सदिश ए का परिमाण मॉड ऑफ ए, या क्या लिखेंगे, या ए है तो वेक्टर ए का एकांक सदिश, वेक्टर ए का एकांक सदिश, एकांक सदिश कैसे निरूपित किया जाता है, कैप लगाकर ऐसे, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए है उसके परिमाण से भाग कर दीजिए, या परिमाण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें कोई भी पद आप दे दीजिए वो एकांक सदिश को निरूपित करेगा, इसको निरूपित करेगा, एकांक सदिश को निरूपित करेगा। इसलिए यहां से जो पद बनता है वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ ए, या यूनिट वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ ए, ये इसमें कोई भी आप उपयोग कर लीजिए, ये हो गया एकांक सदिश, क्या हो गया एकांक सदिश। अब बात करते हैं अगला जो वर्गीकरण में टॉपिक है, लंब कोणी एकांक सदिश, क्या लंब कोणी एकांक सदिश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, समझने की कोशिश करिए। देखिए हमने ये पढ़ा कि अगर तीन अक्ष हैं, जैसे किसी रूम का कोना, तो उसमें क्षैतिज रेखा मान ली जाए, जैसे किसी रूम का कोना मान लिया जाए, या ये दस्तर है आपका, इसके बाहर की एजेस देखिए, अगर इस एज को आप इसको आप एक्स मान लें तो ये वाई हो जाएगी, और ये जो पीछे की ओर है ये क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। इसी तरीके से आप क्या मान सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको बाहर की ओर भी मान सकते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड बाहर की ओर निकली हुई। तो इस तरीके से बेटा हम इसको मान सकते हैं, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई मान लिया, और ये क्या मान लिया, जेड मान लिया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष हो गए, इनमें हम इन समूह को हम क्या कहते हैं, लंब कोणी एकांक सदिश कहते हैं। ऐसे अक्ष जो परस्पर लंबवत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लंब कोणीय कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लंब कोणी। और ये माना जाता है कि जो आपका ये क्या है एक्स अक्ष है, इसके अनुदिश एक एकांक सदिश है जिसका मान क्या होता है, आई होता है, यूनिट आई, इसके ऊपर कैप आई लिखते हैं, और जो वाई के अनुदिश एकांक सदिश होता है उसको जे कहते हैं, और जेड के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है हम पास में बना रहे हैं ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, यूनिट वेक्टर के। तो आई जे और के क्या है, एकांक सदिश, आई जे और के क्या है, एकांक सदिश है जो क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश होते हैं ठीक है। तो अगर मान लिया, इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि कोई बिंदु इस क्वाड्रेंट में, इस तल में है, उसका मान क्या है, एक्स वाई और जेड है, क्योंकि इसको हम, इस पॉइंट को अगर हम मान लें कि ये ए है, तो इसके जो क्वाड्रेंट्स हैं वो ए एक्स कमा ए वाई कमा ए
जेड से निरूपित किए जाते हैं, तो इसका जब वेक्टर बनाया जाएगा तो अगर हम सदिश ए लिखेंगे तो सदिश ए बराबर ए एक्स, उसके परिमाण को एक्स दिशा में जो उसका अंताखंड है वो ए एक्स है, वाई दिशा में जो अंताखंड है वो ए वाई है, और जो जेड दिशा में अंताखंड है वो ए जेड है। ए एक्स को यूनिट वेक्टर आई से गुणा करते हैं प्लस ए वाई को यूनिट वेक्टर जे से गुणा करते हैं और ए जेड को यूनिट वेक्टर के से गुणा करते हैं। ये आपका क्या बन जाता है, वेक्टर ए बन जाता है। क्या बन जाता है, वेक्टर ए बन जाता है। अगर हम इसी वेक्टर ए का सदिश ए का ये क्या लिखा हुआ है, सदिश ए का परिमाण निकाले, क्या निकाले परिमाण, तो परिमाण निकालने का तरीका होता है या तो इसको मॉड ऑफ ए लिखे आप या केवल ए लिखे, ये बराबर होता है इसके जो गुणांक या निर्देशांक ए एक्स होते हैं उनका स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर का हम क्या करते हैं ऐड करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ये क्या बन गया भैया, ये आपका बन गया वेक्टर ए का परिमाण, जिसको हम क्या कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए कहते हैं, वेक्टर ए का परिमाण। तो हमने लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में पढ़ा, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष परस्पर लंबवत होती है, एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर एकांक सदिश ए हो आई होता है, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे होता है और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है ए होता है। अगर कोई वेक्टर वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड है के है तो उसका परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या होता है, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये प्लस में होते हैं इस तरीके से। अगला जो टॉपिक है वेक्टर का जो प्रकार है वो शून्य सदिश है। कैसा है, शून्य सदिश, क्या होता है शून्य सदिश, शून्य सदिश या इसको नल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है शून्य होता है उसको क्या कहा जाता है, शून्य सदिश कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, शून्य सदिश। अब इसके गुण क्या होते हैं, शून्य सदिश के तीन गुण होते हैं। पहला गुण ये, नंबर एक, परिमित संख्या ए, कोई परिमित संख्या ए है तथा शून्य सदिश का योग सदैव परिमित संख्या के तुल्य होता है। अगर मान लो कोई परिमित संख्या या परिमित वेक्टर है ना, परिमित संख्या माने या परिमित सदिश है, ये परिमित सदिश, परिमित माने डिफाइन, अगर वेक्टर ए में शून्य को जोड़ा जाए या शून्य सदिश को जोड़ा जाए तो उसका मान क्या होता है, वो शून्य सदिश के तुल्य हो, सॉरी उसका मान परिमित सदिश के तुल्य होता है। किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ने पर उसका मान उसी वेक्टर के बराबर होता है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये परिमित वेक्टर है, ये यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी में परिमित संख्या है। अगर किसी परिमित संख्या n को शून्य वेक्टर से गुणा किया जाए तो उसका मान जो होता है वो शून्य वेक्टर के बराबर होता है, उसका मान किसके बराबर होता है, शून्य वेक्टर के बराबर होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि परिमित सदिश a का शून्य सदिश से गुणा करने पर, कोई परिमित सदिश a है उसको शून्य सदिश से गुणा करने पर शून्य या शून्य सदिश प्राप्त होता है, शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है कह सकते हैं या शून्य सदिश प्राप्त होता है। ये जो है भैया ये आपके शून्य सदिश के गुण है। क्या है, शून्य सदिश के गुण। अब हम सदिशों को जोड़ने की विधियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधियां।
सदिशों के योग की ज्यामितीय विधि या जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके दो मेथड होते हैं, पहला सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या है? सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो वेक्टर विश्लेषण में सदिश योग का जो त्रिभुज नियम होता है उसको हम कैसे एनालिटिकली ज्यामितीय रूप से कैसे हल करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। कि माना दो सदिश ए व बी त्रिभुज की भुजा OP, ये त्रिभुज की भुजा OP और PQ द्वारा निरूपित है। ये आपका वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है? B है। और इसका जो परिणामी A और B का जो परिणामी वेक्टर R है वो त्रिभुज की भुजा OQ से निरूपित है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? हम इस भुजा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और Q से लंब डालते हैं। इस बिंदु को हम E नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? E। और इस कोण को हम क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। और ये कोण आपका अल्फा है। तो यहां पर आपके सामने क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? ओ ई क्यू में। समकोण त्रिभुज ओ ई क्यू में हम जब चर्चा करते हैं, ये आपका लंब है, इसका ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज ओ ई, ई आपका ए 90 अंश है ना, में जो ओ क्यू ऑफ स्क्वायर है पैथागोरस प्रमेय से, वो ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पर ओ क्यू जो है वो आर है और ओ ई जो है ओई का डायरेक्ट मान नहीं दिया है, ओई बराबर ओपी प्लस पीई है और ओपी का मान तो वेक्टर ए है मगर पीई का मान नहीं दिया। तो पीई के मान के लिए हम क्या करते हैं? देखिए पीई आपका क्या है? आधार। हमें पता क्या है यहां पर? पीक्यू पता है। तो पीई बटा पीक्यू अगर करेंगे तो ये कॉस थीटा हो गया और PE बराबर हो गया PQ cos थीटा या B cos थीटा। तो ये क्या हो गया? B cos थीटा। इसी तरीके से हम QE का मान निकालें तो देखो बेटा, या QE इस त्रिभुज में QE अपान क्या करेंगे? PQ करेंगे, ये हो जाएगा sin थीटा। तो QE is equals to PQ sin theta और PQ बराबर आपका क्या है? B sin theta। ये हमने मान निकाल लिया यहां से। ठीक, अब मान निकालने के पश्चात हमारा जो मूल है वो क्या है? OQ square बराबर OE square plus QE square। इसमें मान रख देंगे O आपका ओ क्यू, ओ क्यू बराबर मान रखेंगे ओ क्यू परिणामी आर है बराबर ओई, ओई का मान क्या है? ओई ओपी प्लस पीई के बराबर है और ये आपका क्यूई का मान तो आपको पता है। तो इसको सूत्र से खोल लेते हैं, ओपी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू ओ पी पी ई और प्लस क्यू ई स्क्वायर। यहां पर अभी चाहो तो मान रहने दो रखने को,
अब मान हम रखना शुरू करते हैं, ओपी बराबर क्या है, इसका मान आर स्क्वायर होगा, इसका मान अगर हम इसका आंकिक मान रखें तो ए स्क्वायर होगा, इसका मान बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, इसका आंकिक मान टू ए बी कॉस थीटा प्लस इसका मान होगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए क्यूई बी साइन थीटा होगा, है ना, यहां तीन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि केवल मान हम आंकिक लेंगे। अब रखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें जो है दोनों में बी स्क्वायर कॉमन होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या बचेगा आर। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहां से अगर हम आर का मान निकालें, परिणामी आर आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा ऑफ रूट होगा, और परिणामी कितना कोण बनाएगा वेक्टर ए के साथ, अगर उसको हम निकालें तो टैन अल्फा बराबर, टैन सबको पता है परपेंडिकुलर माने क्यू ई और बटे बेस क्या है ओ ई के बराबर होगा, और इसको गणितीय रूप में सॉल्व करेंगे तो क्यू ई रहेगा, ओ ई का मान आपको पता है ओ ई बराबर क्या है ओपी प्लस पी OP प्लस PE, ये आपका QE जो है वो B साइन थीटा हो गया और बटे tan अल्फा OP A प्लस B cos थीटा, ये मान किसका आ गया, ये कोण का मान आ गया, थीटा का मान आ गया। ये आपने जो ज्यामितीय विधि होती है किसकी, सदिश योग का त्रिभुज नियम आपने पढ़ा। त्रिभुज नियम ये कहता है, अगर पहली बात ये परीक्षा के लिहाज से नहीं, ये आपको वेक्टर एनालिसिस का जो बेस है उसको मजबूत करने के लिए आपको समझना है। इसमें क्या होता है, जो दो वेक्टर हैं अगर उनको परस्पर थीटा कोण पर जोड़ दिया जाए, ठीक है, कैसे जोड़ दिया जाए थीटा कोण पर, और वो पहला वेक्टर का जो हेड है, ये वेक्टर ए का क्या हेड है और वेक्टर बी का ये वाला वेक्टर बी का टेल है, इस तरीके से अगर जोड़े जाए और दोनों के टेल को जोड़ा जाएगा, तो अगर दोनों के टेल को जोड़ा जाएगा तो वो वेक्टर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम बनेगा। ये त्रिभुज का नियम था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज नियम करेंगे। धन्यवाद।